हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9, 10, 11, 12th में जो नोटिस का क्वेश्चन आता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, यू आर शिवानी, अ स्टूडेंट ऑफ 10th A। यू हैव लॉस्ट योर पर्स समवेयर इन द स्कूल कैंपस ड्यूरिंग रिसेस, अर्थात जो मध्यावकाश के दौरान आपने स्कूल में अपना पर्स कहीं खो दिया है। राइट अ नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड पर ऑन द नोटिस बोर्ड आस्किंग द फाइंडर टू रिटर्न इट टू यू, कि वो आपको रिटर्न कर दे। तो जैसा कि मैंने आप इससे पहले जो नोटिस पढ़ाए हुए हैं उसमें भी मैंने डिस्कस किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हमने इंस्टीट्यूशन का नाम डाला है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कानपुर, और इसके बाद जस्ट सेंटर में वहीं भी लिखा है नोटिस, फिर टॉपिक आपका है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। तो टॉपिक विल बी इफेक्टिव, टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो कोई हर व्यक्ति देखकर तुरंत उस पर ध्यान दे। और जहां नोटिस लिखते हैं उसकी जस्ट लाइन में हम लेफ्ट हैंड साइड पर डेट को भी डालते हैं। फिर नोटिस क्या लिखा है, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई हैव लॉस्ट माई पर्स समवेयर इन द स्कूल कैंपस टूडे, आज फुल स्टॉप लगा है। फिर इट इज लेदर पर्स ऑफ द पिंक कलर, और बताना है कि ये पिंक कलर का लेदर का पर्स है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू द अंडर साइन, अंडर साइन कहाँ पर है, ये अंडर साइन ये है। तो अंडर साइन अर्थात जिसके नीचे हस्ताक्षर आप देख रहे हैं उसको ये रिटर्न करे और डिपॉजिट इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, या फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में डिपॉजिट जमा कर दे। और थैंकफुल रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, अगर इस प्रकार से अगर आप नोटिस लिखेंगे तो आपका नोटिस अधिक इफेक्टिव होगा और तुरंत उस पर सॉल्यूशन मिल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इतना नोटिस से आपका मैटर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप वन लाइन छोड़ के पहले लिखेंगे अपना नेम, या फिर जो उसमें डिस्कस किया गया है शिवानी, इसमें दिया गया नेम तो आप शिवानी का ही नाम लिखेंगे अपना नहीं, और उसका क्लास डाल दिया है और यहाँ पे उसके सिग्नेचर बना दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस होती रहे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।